हेलो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड टेक शुभम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके बीच एक स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे जो सीबीएसई ने लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स किए हैं, जो लेटेस्ट न्यूज जो है सीबीएसई ने रिलीज की है। बहुत सारे चैनल्स पे आपको मिलेंगे यार, टॉप 3 चेंजेस इन सीबीएसई बोर्ड, टॉप 6 चेंजेस इन सीबीएसई बोर्ड। मैं लेकर के आया हूँ पूरे 11 से 12 चेंजेस जो कि सीबीएसई ने अपनी ही वेबसाइट पे और सोशल मीडिया के थ्रू और मीडिया के थ्रू जो है अनाउंस किए हैं। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आज तक सीबीएसई अपने डिफिकल्टी लेवल से आप सबको परेशान करता हुआ आया, इस बार उसने कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं जिससे आपके जो एग्जाम देने का तरीका है वो आसान होने वाला है, और कुछ ऐसा भी है जो मुश्किल होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे टॉप 12 चेंजेस की जो कि सीबीएसई ने अपने अनाउंस किया है। तो सबसे पहली बात आ रही है, सबसे पहले होने वाला है डिजिटलाइजेशन ऑफ पेपर। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जब पेपर जो हमारे पहले आया करते थे वो कैसे आया करते थे, सीबीएसई जो है आपके स्कूलों में भेज दिया करता था या बैंक में डिपॉजिट कर दिया करता था। वहाँ पर जो है आपके स्कूल का जो कोऑर्डिनेटर है वो सुबह जाता था, वहाँ से पेपर लेकर के आता था और आपको पेपर बांट दिए जाते थे पेपर हॉल के अंदर, राइट। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। तो अब कैसा होगा, सीबीएसई जो है एनक्रिप्टेड फॉर्म में जो पेपर है वो आप अपने प्रिंसिपल को भेजेगा, प्रिंसिपल जो है उस एनक्रिप्टेड को मैसेज को डिक्रिप्ट करवाएगा उनके सोर्सेज के थ्रू जो पूरा पोर्टल होगा, और उसके बाद वहाँ पर स्कूल में ही प्रिंट आउट लिया जाएगा और आपको गरम गरम ताज़ा ताज़ा पेपर बांटे जाएंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे पेपर जो लीक हुआ करता था पिछले साल तक वो किसी हद तक रोका जाने वाला है इस बार। लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं सीबीएसई के लिए। लेकिन इसमें अगर आपको पेपर लीक करना है तो सेटिंग किससे होनी चाहिए, सीधे प्रिंसिपल से, जो कि होना बहुत मुश्किल है, ठीक है दोस्तों। तो पहला, सबसे पहला जो चेंज हुआ है वो हुआ डिजिटलाइजेशन ऑफ पेपर। सेकंड जो चेंज होने वाला है वो होने वाला है क्लास 10th के लिए 2 सीबीएसई पेपर बनाने वाला है मैथ्स के, बिल्कुल, जिसके अंदर एक इजी होगा और एक डिफिकल्ट होगा। तो आपको चूज करना है कि आपको कौन सा वाला पेपर देना है, इजी वाला या डिफिकल्ट वाला, ठीक है। तो इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि ये इस सेशन में जो है एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, लेकिन मैंने बात करी है सीबीएसई हेल्पलाइन नंबर पे तो उनके पास भी अभी ये जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस सेशन में ये जो चीज़ एप्लीकेबल होने वाली है, हो सकता है 2019 के बैच से हो। सो इसका एक डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या है, अगर आप 10th के अंदर इजी क्वेश्चन पेपर को अटैम्प करते हैं मैथ्स के, तो आप 11th में मैथ्स नहीं ले सकते हैं। अगर आप 10th क्लास में डिफिकल्ट पेपर को चूज़ करते हैं, जिसका आई थिंक जो डिफिकल्टी लेवल होगा, जो अभी पेपर्स आ रहे हैं उससे रिलेटेड ही होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, तो अगर आप वो वाला पेपर चूज करते हैं तो आप 11th के अंदर जो है मैथ्स ऑप्ट कर सकते हैं। सो ये बहुत बड़ा चेंज है क्लास 10th के बच्चों के लिए, ठीक है गाइस। तो थर्ड जो हमारा मेजर चेंज आ रहा है वो आ रहा है इंटरनल ऑप्शंस को इंक्रीज कर दिया गया है 10th एंड 12th बोर्ड के बच्चों के लिए। जी हाँ, अभी तक क्या होता था, आपको जो क्वेश्चन पेपर सेट दिया रहता था आपको उसमें से ही आंसर देने पड़ते, लेकिन अब सीबीएसई ने आपके क्वेश्चन पेपर के डिफिकल्टी लेवल को कम करने के लिए बहुत सारे इंटरनल जो है चॉइसेस को जोड़ दिया है। सपोज अगर आपका ऑप्शन ए नहीं आता है और के अंदर सेकंड वाला क्वेश्चन आता है तो आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चौथा हमारा मेजर पॉइंट आ रहा है कि इस बार सीबीएसई ने 10th और 12th के सैम्पल पेपर बहुत जल्दी रिलीज कर दिए गए हैं, जिसके अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो कि नए पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, यानी कि जो इंटरनल ऑप्शन इंक्रीज करने वाला पैटर्न है वो आपको अवेलेबल होगा सीबीएसई की वेबसाइट पे। नीचे मैं लिंक देता हूँ, वहाँ पर आप अपने जो है सैम्पल पेपर्स को जाकर के सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का पेपर हमारे बोर्ड में इस बार आने वाला है, ठीक है दोस्तों। पांचवा मेजर चेंज जो हमारी मार्किंग स्कीम है उसको एनहेंस कर दिया गया है 10th और 12th के बच्चों के लिए। यानी कि अगर आप इस बार फॉर्मूला लिख करके भी आते हैं, अगर आपको आंसर नहीं आता है या फॉर्मूला लिख करके क्वेश्चन गलत सॉल्व कर रहे हैं तो भी आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे। पहले भी ऐसा हुआ करता था, लेकिन इस बार जो मार्किंग स्कीम है वो एनहेंस कर दी गई है ताकि बच्चे अच्छा स्कोर कर सकें, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट वाली बात है यार, ठीक है दोस्तों। तो छठा मेजर चेंज आ रहा है हमारे पास कि पासिंग मार्क्स जो है वो 33% कर दिए गए हैं क्लास 10th के लिए ओनली, 12th की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्लास 10th के लिए। अब आपको पहले क्या होता था कि आपको 33% जो है प्रैक्टिकल में लाने पड़ते थे, 33% जो है आपको थ्योरी में लाने पड़ते तभी आप पास होते थे, अगर दोनों में 33% सिक्योर करते हैं तो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सीबीएसई ने आपकी ज़िंदगी को आसान कर दिया है। किस तरीके से कर दिया है, अब आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला करके 33% लाने हैं पास होने के लिए। सिंपल एज दैट, इजी है यार, 33% ला सकते हैं, खुश हो जाओ, ठीक है।
अब सातवां मेजर चेंज आ रहा है कि देर विल बी नो एंट्री फॉर द लेट कमर्स। का मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक मिनट भी एग्जामिनेशन हॉल में लेट पहुंचे तो आपको एग्जामिन नहीं बैठने दिया जाएगा। जी हाँ, अभी तक क्या होता था, यार सर ले लो प्लीज, सर ले लो, अंदर में लेट हो गया सर, मेरे फरहान ये एक्सीडेंट हो गया था सर, पेट्रोल खत्म हो गया था सर, मैं घर से लेट निकला था। अब ऐसा कोई भी बहाना नहीं चलेगा सीबीएसई के अंदर। तो हमको यार क्या करना है, सबसे पहले नहीं हो सकता तो यार हम एक दिन पहले जाकर के अपना जो सेंटर आया है उसको जाकर के देख के आए कि भाई कितना टाइम लगता है। अगर हमारा 9:30 से पेपर स्टार्ट होने वाला है, 9:15 हमारी रिपोर्टिंग टाइम है, तो हम 9 बजे पहुंच जाएंगे यार। हम क्यों रिस्क लेंगे अपनी जिंदगी के साथ, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि वेन्यू जो होगा उसमें थोड़े एक दिन पहले जाकर के देख के आए कितना टाइम लगता है, ताकि हम समय पर पहुंच सकें, हम लेट नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हमारा अपना जीवन जो है वो बनाना है, राइट। हमें अपनी लाइफ सिक्योर करनी है, हम लेट क्यों होंगे, ठीक है। तो अगर 9 बजे का टाइम है, 8:50 पे पहुंच जाओ, 9:15 का टाइम है, 9 बजे पहुंच जाओ, ठीक है। बिकॉज देर विल नो एंट्री फॉर द लेट कमर्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इन द सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस, ठीक है दोस्तों। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब बात आती है कि सीबीएसई ने एक डेट अनाउंस करी है 15 फरवरी, जब से आपके प्रैक्टिकल जो है स्टार्ट हो जाएंगे और जल्दी से जल्दी उसको खत्म कर दिया जाएगा, ताकि थ्योरी के एग्जाम की जो डेट है उससे पहले प्रैक्टिकल एग्जाम जो है खत्म कर दिया जाए। ये पहले सीबीएसई अनाउंस नहीं करता था, ये आपके जो स्कूल लेवल पे ही इस चीज़ को खत्म कर दिया जाता था, लेकिन इस बार सीबीएसई ने डेट अनाउंस करी है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। तो इस बार हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट भी हो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम, जो एग्जामिनर है वो हो सकता है थोड़े से डिफिकल्ट लेवल पे आपको क्वेश्चन पूछे, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है, हम सब पढ़ के जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है 9th मेजर जो चेंज किया गया है सीबीएसई ने, वो ये हुआ है कि इस बार जो आपका रिजल्ट होगा बोर्ड एग्जामिनेशन का, वो पहले आता था सपोज मई जून में आता था, राइट। तो अब जो रिजल्ट होगा आपका वो सीबीएसई जल्दी अनाउंस करेगी। अब जल्दी अनाउंस करने का रीज़न क्या है कि जब हम 12th से निकलते हैं तो हम हायर स्टडीज़ के लिए कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं, राइट। तो उनकी डेडलाइन जो होती है वो जल्दी आ जाती है, लेकिन सीबीएसई ने इस बार क्या किया, आपके रिजल्ट जो है वो जल्दी अनाउंस करेंगे, ताकि आप जल्दी से जल्दी जो है हायर स्टडीज़ में अप्लाई कर सकें और आपकी जो डेट्स हैं वो क्लैश ना करें, या फिर आप उस डेट के बाद जो है एडमिशन ना ले पाए, ठीक है दोस्तों। तो द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस अर्लियर so that it may help for the students to apply for the higher studies, ठीक है। और first class और second class के लिए major change ये हुआ है कि अब उनको कोई homework नहीं मिलेगा स्कूलों में। जी हाँ, सीबीएसई ने सुनिश्चित कर दिया है कि first second class के बच्चों को कोई homework नहीं दिया जाएगा, उनकी life enjoy में जाने वाली है, enjoy करने में first और second class की, तो chill हो जाइए first और second class के बच्चे। और एक बहुत ही major change जो होने वाला है सीबीएसई के अंदर, वो ये होने वाला है, आई एम नॉट श्योर इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम दिस सेशन और नॉट, लेकिन अगले सेशन से, अगले बैच से आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, सीबीएसई ऐसा करने वाली है कि जो आप प्रैक्टिकल एग्जाम है वो भी दूसरे स्कूल में होंगे, जिस तरीके से आप थ्योरी एग्जाम देते हैं। तो हाँ, अब प्रैक्टिकल एग्जाम में पास होना भी ईजी नहीं होगा। अभी तक क्या होता है कि यार आपका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा सॉल्व दिया है एग्जामिनर ने, तो आप क्या करते थे, जाकर के टीचर से या फिर अपने जो लैब इंचार्ज से आके पूछ लेते थे, सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, सर सॉल्ट बता दो ताकि मैं अपना एक्सपेरिमेंट तो लिख दूँ। उन्होंने बता दिया कि NaCl लिख ले जाकर के, तो लाइफ वहाँ पर ईजी थी। लेकिन अब आपको नहीं पता कि कौन से स्कूल में आपका सेंटर आने वाला है, कौन से स्कूल में आप जाएंगे, कौन से एग्जामिनर होंगे, कुछ पता नहीं है। तो हमारे को प्रैक्टिकल की तैयारी भी उसी तरीके से करनी पड़ेगी जिस तरीके से थ्योरी है, तो ये ईजी नहीं होगा, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो दूसरे सेंटर्स में आने वाले हैं नेक्स्ट सेशन से, इस सेशन में नहीं होगा ये चीज़। सो गाइज, मेरे को लगता है कि जो सीबीएसई के जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स हैं वो हमें क्लियर हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए सीबीएसई को जो करना है वो करेगा भाई, क्यों, जो ओनर होता है शॉप का वो करता है, लेकिन जो उसके जो मजदूर होते हैं उनको तो वैसे ही काम करना है। तो हमें भी क्या है, अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, अपनी प्लानिंग बनानी है कि आज किस तरीके से हमें जो है एग्जाम के अंदर बैठना है, किस तरीके एग्जाम में पास होना है, और स्ट्रेटजी बनाइए कि किस तरीके से आपको एक पाथवे को फॉलो करना है, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपना कोर्स ख़त्म कर सके, रिवीजन चालू कर सके, सैम्पल पेपर सॉल्व कर सके और अच्छे नंबरों से अपनी ज़िंदगी को सिक्योर कर सकें। सो गाइस, पढ़ते रहिए, अपने मम्मी पापा का बहुत ध्यान रखिए, उनकी बात समझिए, उनकी बात सुनिए, और अपना जो है लाइफ सिक्योर करने के लिए अपना एक मंत्र चुनिए जिसके थ्रू अच्छे नंबर लाइए, पास होइए, और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए, क्योंकि मम्मी पापा का नाम रोशन होगा तो आप लोगों का नाम रोशन होगा, आप लोगों का नाम रोशन होगा तो देश का नाम रोशन होगा। सो गाइस, इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।